आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है, आज हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया है सीएस रुति सिंगल जी को। मैडम आज आपको बुलाया है एक विशेष टॉपिक के लिए। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 9(3) की, तो मैडम उसमें ना आरसीएम की लिस्ट है। उसमें आरसीएम जो होता है जीटीए पर हमें समझ आ जाता है, एडवोकेट पर हमें समझ आ जाता है, लेकिन उसमें ना दो एंट्रियां हैं वो मुझे आज तक समझ नहीं आई। ठीक है, वो जो एंट्रियां है हमारी है वो है रियल इस्टेट से लेकर। तो वो आरसीएम वाली जो एंट्रियां रियल इस्टेट पर लगती हैं, सेक्शन 9(3) की बात कर रहा हूँ मैडम, मैं 9(4) की नहीं कर रहा, 9(3) की बात कर रहा हूँ। तो आप जरा हमें उन दो एंट्रियों के बारे में बताएं कि वो एंट्रियां क्या कहती हैं। सर पहले तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपने चैनल पर हमें आमंत्रित किया और हमें अपनी तरीके से इस टॉपिक को आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का एक मौका प्रस्तुत किया, तो उसके लिए तो सबसे पहले धन्यवाद। अभी हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक 9(3) की जो दो एंट्री की आपने बात करी है, 5A और 5B और 5C की जी। इन दोनों की बात करने से पहले हम एक बार एक कंसेप्ट, उनमें क्या शब्द जो लिखे हुए हैं वो कंसेप्चुअली क्या मतलब उनका है वो समझ लेंगे। जैसे हमें शब्द का मतलब निकल के आ जाएगा फिर तो एंट्री में कुछ पढ़ने को रहेगा ही नहीं। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होती है। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट होती है एक अग्रीमेंट लैंड ओनर के पास, लैंड ओनर और प्रमोटर बिल्डर के बीच में। तो जो लैंड ओनर होता है ना वो कहता है कि साहब आप मेरी लैंड पे कंस्ट्रक्शन कर दो, बिल्डर कहता है मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। बट ऐसा लैंड ओनर कहता ही क्यों है, उसका क्या फ़ायदा है कि वो बिल्डर से कहे कि उसकी लैंड पे कंस्ट्रक्ट कर दे। राइट। कई बार क्या होता है कि लैंड ओनर के पास लैंड होती है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हुई हुई होती है, लेकिन आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन 10 से 15 साल में उसको दोबारा करवाना पड़ता है, उसको ख़राब हो जाती है वो। तो उसके लिए लैंड ओनर के पास कई बार क्या होता है कैश की शॉर्टफॉल होती है। राइट। तो वो क्या करता है कि वो बिल्डर से हाथ ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड रहता है। राइट। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है कि कैश शॉर्टफॉल तो नहीं है लेकिन लैंड ओनर के पास वो एडुकेट नो हाउ नहीं है, मतलब उसको समझ ही नहीं है कि कहाँ से इस सैंड लूँ, कहाँ से बजरी लूँ, कहाँ से सीमेंट, एक्सपर्टीज ही नहीं है। वो इतनी सरदर्दी क्यों लेगा, वो कहेगा कि सीधे बिल्डर से हाथ मिला लेता हूँ। राइट। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि लैंड ओनर के पास क्या होता है कि जो अगर वो अपनी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्टेड है उसको बेचने निकलता है, तो अगर वो एज इट इज़ बेच देगा तो उसके लिए कितने दाम मिलेंगे, कम। उसको नया बना के बेचेगा तो दाम मिलेंगे ज़्यादा। तो इसलिए वो क्या करता है, कहता है ठीक है बिल्डर आप मेरी लैंड मेरी है आप इस पर कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है। बिल्डर आता है, बिल्डर क्यों उसके हाथ मिलाएगा, बिल्डर के क्या फ़ायदे हैं, सबके अपने फ़ायदे निकलने चाहिए ना, तभी तो कोई हाथ विन विन सिचुएशन निकल के आनी चाहिए। तो बिल्डर कहता है कि देखो अगर मैं किसी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए निकलूँगा, कंस्ट्रक्शन का नो हाउ तो मेरे पास है लेकिन मैं अगर कंस्ट्रक्शन करने के लिए निकलूँगा तो मेरे को पहले लैंड परचेज करनी पड़ेगी और आपको पता है कि वो कितनी कॉस्टली है आजकल के लिए। तो वो कहते हैं हाँ हाँ इसी की लैंड पे कर देता हूँ, अपना मुनाफा निकाल के निकल जाऊँगा। ठीक है। तो इसलिए बिल्डर क्या करता है, लैंड ओनर से डेवलपमेंट राइट्स ले लेता है, सिर्फ डेवलपमेंट राइट्स, लैंड नहीं खरीदता। राइट। उसके ऊपर लैंड की जो लैंड ओनर होता है उसके पास लैंड जब आती है उसकी ओनरशिप आती है, साथ ही साथ इनबिल्ट कह लो, उसको कहीं से परचेज नहीं करनी होती, डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना पड़ता, उसके अंदर ही उसके पास एक डेवलपमेंट की उसकी राइट आ जाती है। राइट आ जाती है। तो वो उससे डेवलपमेंट की राइट ले लेता है, बदले में कहता है कि हम आपको कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट जो देंगे थोड़ा आप हमें दे देना, थोड़ा आप खुद ले लेना, या आप पैसे दे दो, या हम उसको बेच के जो रेवेन्यू आएगी वो ले लेंगे। तो कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें प्राइमरीली दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है कि एरिया शेयरिंग अग्रीमेंट की, जो जैसे बिल्डिंग निकल के आई 100 यूनिट की, 40 यूनिट वो कहता है कि आप लैंड ओनर आप रख लो, 60 यूनिट मेरी बनने के बाद, तो ये एक अग्रीमेंट साइन हो जाती है। दूसरी तरह की होती है रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट, उसमें क्या होता है वो कहता है कि हम 100 यूनिट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसको फिर बेच देंगे। ठीक है। जब बेचेंगे तो 60% मतलब जितने सारे फ्लैट बेचेंगे उसका 60% फ्लैट का वैल्यू मैं रख लूंगा,
और बाकी 40% आप रख लेना। तो ये होता है जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, इसमें डेवलपमेंट राइट्स की ट्रांसफर होती है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट जो इसमें आता है FSI का, तो FSI को भी समझना है हमें TDR के रिस्पेक्ट में, मतलब ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अच्छा, अब ये कंसेप्ट कहाँ लगता है देखिए, जैसे आप दिल्ली क्षेत्र में अगर रहते हो, आपने देखा होगा मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हुई है हाल ही में, तो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हुई है तो जो एरिया था मेट्रो ने मार्क किया कि यहाँ यहाँ से इसका वो टावर्स चलेंगे, यहाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, तो वो एरिया हो सकता है कि वो सारा गवर्नमेंट के पास ना हो जमीन, हो सकता है लैंड ओनरशिप प्राइवेट के पास हो। तो अब गवर्नमेंट को ओनरशिप एक्वायर करनी है, ओनरशिप एक्वायर करनी है तो जिसकी ओनरशिप थी उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, गवर्नमेंट देती है TDR, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। और ये किस बेसिस पे देती है? ये FSI के बेसिस पे देती है। क्या मतलब? फ्लोर स्पेस इंडेक्स, हर एक सिटी का एक फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि एक सिटी में वो जो उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो ज़्यादा डेवलपमेंट चाहती है, तो वो फ्लोर स्पेस इंडेक्स ज़्यादा रखती है, कहीं वो डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन कम जाती है तो वहाँ पे फ्लोर स्पेस इंडेक्स कम रखती है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि एरिया ऑफ जो लैंड बिल्टअप एरिया है जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है डिवाइडेड बाय द फ्लोर एरिया ऑफ द फ्लोर। ओके, आप जैसे अगर आपका 2 FSI है और 1000 square feet की आपकी लैंड है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो हजार तो आपका लैंड का एरिया इंटू 2 करोगे तो 2000 आ गया। आप 2 मंजिला 1000 के भी बना सकते हो, आप 4 मंजिला 500 के भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। और गवर्नमेंट ने कई बार रोक लगा रखी होती है अपर की, कितना आप ऊपर चढ़ा सकते हो, तो उस हिसाब से भी आपको मैनेज करना होता है। तो ये आपका निकल के आया फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसको हम एक बार एग्जांपल से देखते हैं कि ये ट्रांसफरेबल कैसे बनता है। ठीक है, सपोज आप जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मेट्रो लाइन की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मेट्रो लाइन की कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपका 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था, ठीक है, उसमें 100 स्क्वायर मीटर गवर्नमेंट ने मांग लिया। ठीक है, आप जिस एरिया में रह रहे थे उसमें 1.5 FSI थी, तो 100 जो गवर्नमेंट ने मांगा है इंटू 1.5 FSI 150 स्क्वायर मीटर गवर्नमेंट आपको दे देगी। ओके, कि अब आप ये ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हो गए आपके पास, आप 150 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे बना लो जहाँ पे आप ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हो, आप किसी को भेज दो, बिल्डर को भेज दो, और वो कहीं और किसी और सिटी में भी वो यूज कर सकता है। ओके, अगर आप सेम सिटी में जहाँ पे आप उपस्थित अभी हो, तो आपके पास 400 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट ऑफ एरिया बना बचा, उस पर आप ऑलरेडी जो 750 आपका कंस्ट्रक्टेड था वो तो ठीक है, वो थोड़ा टूट जाएगा, बाकी में भी आप 750 पूरा बना सकते हो। ठीक है, और ऊपर से 150 बना सकते हो जो अभी गवर्नमेंट ने आपको दिया है। ओके, राइट। अगर आप दूसरी सिटी में करते हो और जहाँ का FSI सपोज करके 0.75 है, तो वहाँ पे कम हो जाएगा। नहीं, वही तो बात है, यही कंफ्यूजन आती है कि अच्छा वो FSI से कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर इज नहीं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट जिस एरिया का मिला है उतना ही रहता है, 150 का 150 ही रहेगा, ये नहीं है कि आपको कम मिल जाएगा। ठीक है, बट जहाँ पे आप 0.75 परमिसेबल था, अब आप देखिए 500 स्क्वायर मीटर का, चलो वहाँ पे भी प्लॉट ऑफ लैंड था, 375 आप ऑलरेडी बना सकते थे, उसके ऊपर 150 बना सकते हो, क्योंकि ये आपके पास ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स आ गए। ओके, राइट। तो ये आपका दोनों का कंसेप्ट है। अब हम एंट्री पे आते हैं। जी, एंट्री में क्या आप बोल रहे हैं कि अगर आप प्रमोटर हो, डेवलपर हो, ठीक है, और आप ट्रांसफरेबल, यहाँ पर प्रमोटर और डेवलपर दोनों एक ही बात हो गई ना। हाँ, हाँ, दोनों को हम एक ही सिनोनियम बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर हो या डेवलपर हो और आपके पास ये डेवलपमेंट राइट्स आई हैं, जैसे कि अभी हमने JDA का कंसेप्ट समझा, तो आपने लैंड ओनर से डेवलपमेंट राइट्स लिए हैं, या अभी हमने FSI का कंसेप्ट समझा तो FSI आपने लिया है। लॉन्ग टर्म लीज भी होता है जो 5C में लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म लीज क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ लैंड 99 ईयर्स ऑफ और मोर के लिए अगर आप उसको लीज पे लेते हो तो उसको लॉन्ग टर्म लीज कहते हैं, जैसे नोएडा में है। हाँ, ज्यादातर जो फ्री होल्ड नहीं मिलती तो लीज होल्ड मिल जाती है।
तो उस केस में प्रमोटर के ऊपर लायबिलिटी है कि अब उल्टा वो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बट प्रमोटर के ऊपर लायबिलिटी है आरसीएम के अंदर, वो जीएसटी लगा के गवर्नमेंट को जमा करेगा। और अच्छा, इसमें ये भी है कि कौन सप्लायर ऑफ सर्विसेज होगा, सप्लायर ऑफ सर्विसेज एनी पर्सन लिखा हुआ है। कई बार ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि यार मैं तो रजिस्टर्ड हूँ तो क्या मेरे को देना पड़ेगा, अगर जो लैंड ओनर है वो रजिस्टर्ड है तो वो कई बार हो जाता है कि वो एरिया शेयरिंग में वो रजिस्ट्रेशन भी ले लेता है। वो कह रहे थे तुम, हो सकता है वो लैंड ओनर कहे कि भाई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का कि कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्रमोटर ही देगा। तो अगर मैं इसे नट सेल में करूँ, ठीक है, समराइज करूँ अगर मैं इस बातों को, तो इसे ऐसे समझ लेते हैं कि लेट सपोज मैं एक लैंड ओनर हूँ, चाहे मैं रजिस्टर्ड हूँ, चाहे अनरजिस्टर्ड हूँ, चाहे कंपनी हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, और मैंने आपको अपनी लैंड दे दी, ठीक है, कि भाई आप इस पर डेवलप करो, और उसे हम टर्म बोल रहे हैं लैंड डेवलपमेंट राइट, TDR जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जो वो राइट्स मैंने आपको दिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है भाई इस राइट्स की कोई वैल्यू है, जो आपने दी है उसकी एक वैल्यू आपकी होगी, तो जो प्रमोटर है वो उस पर आरसीएम में टैक्स पे करे। इन दो एंट्रियों का नटशेल में यही है कि एक तो हम TDR पर, एक हम FSI पर जो आपने भी हमें बताया, तो उस पर प्रमोटर को आरसीएम में टैक्स देना है, उसके बाद उसे ITC मिले नहीं मिले, वो जो हमारा फुल कोर्स है, उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। लेकिन ये जो 9(3) की जो दो एंट्री थी जो लोगों को नहीं समझ आती थी, ये हमने इस वीडियो में क्लियर करी है। हाँ, तो इसका जो कंप्लीट कोर्स है मैडम, ये लगभग कितने घंटे का होगा और इसमें हम क्या क्या सिखाते हैं? अच्छा, इसका कंप्लीट कोर्स हमने बनाया है और इसमें हमने सारी जो रियल एस्टेट के ऊपर जितनी बातें हम कर सकते थे, जितना एज ऑन डेट डेटा था, हमने सारा कंपाइल किया है। ठीक है, हमने चार्ट में रेरा में भी बात करी है, रेरा के ऊपर भी बात करी है, फिर हमने ये भी समझाया कि किस चीज़ के ऊपर GST लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, बाद में हमने JDA में कैसे कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं डेवलपर की, उसको किसके ऊपर टैक्स देना है, किसके ऊपर नहीं टैक्स देना है, उसको कितने अमाउंट पे टैक्स देना है, कितना ITC मिलेगा, कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा, कौन से रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हैं। और हमने लास्ट में इस पर एक वीडियो बनाई है कि भाई कैसे कैसे उस पर कौन से केस लॉज आए हैं। ठीक है, और साथ में हमने उस पर जितने FAQs भी गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, उसमें भी अगर कोई रेलेवेंट FAQs हैं, हमने सारे वो भी डिस्कस करें कि कहीं कोई कंसेप्चुअली किसी को दिक्कत ना हो। अगर वो एक बारी को वीडियो देख ले, वो कोर्स पूरा देख ले, तो वो आराम से इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के दायरे में जितनी बातें आती हैं वो आराम से समझ पाएगा। तो यहाँ पर इस बात को समझो, ये कोर्स आपके लिए है अगर आपका कोई क्लाइंट, ठीक है, रियल इस्टेट्स में है, कोई क्लाइंट इस तरह की डील करता है, तो आप इस कोर्स को लेकर पूरा कंप्लीट कोर्स आप देख सकते हो। जैसे कि आपको लग रहा होगा ये 5B और 5C क्या है, ये आसानी से मैडम ने आपको बता दिया। इस तरीके से इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है ये बड़ी खतरनाक है, तो आप इसे पूरे कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके ये वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। मैडम, इस वीडियो में आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं बस। तो चलो, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद।